हेलो जी, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक और नए ब्लॉग में। और आज हमारा जो ब्लॉग है वो बहुत ही खास है। आज हम आए हैं घूमने, और कहां पर आए हैं ये सारी बातें बताएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आज का हमारा जो ब्लॉग है वो शिमला में है। आज हम शिमला में घूमने आए हैं, और शिमला में अभी जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ आगे, वो माल रोड की पूरी सैर करेंगे हम। ये वीडियो जब स्टार्ट हमने माल रोड से किया था तब हमने नहीं शूट किया था, क्योंकि उस टाइम पे हमने पहली बार हम यहाँ पर आए हैं, तो कि एक बार देख लेते हैं सारा, उसके बाद फिर शूट करेंगे। तो व्यू देखिए कितना अच्छा आ रहा है, और यहाँ पर स्वीट कॉर्न का आनंद लेते हुए सब। तो ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ जब उधर से वापस आ रहे थे हम माल रोड पूरा घूमने के बाद, और भीड़ बहुत ज़्यादा है, काफ़ी लोग घूमने आए हुए हैं, और 25-26 जून में भी बहुत ज़्यादा भीड़ है। बच्चों की छुट्टियाँ अभी ख़त्म होने वाली हैं, और कुछ ही दिनों में स्कूल भी खुल जाएंगे। और यहाँ की जो बिल्डिंगें हैं वो देखने लायक हैं, बहुत अच्छी हैं। पुरानी सारी इमारतें बनी हुई हैं, जो अंग्रेज थे वो यहाँ पर सारी इमारतें बना कर गए थे, उनका ही राज था पहले यहाँ पर, ये पूरा अंग्रेज़ों ने ही बसाया हुआ है। और ये पूरी जो मार्केट आप देख रहे हैं, ये पूरी की पूरी मार्केट अंग्रेज़ों के द्वारा बसाई गई थी, क्योंकि शिमला में क्या है कि ठंड जो है वो काफ़ी रहती है, बर्फ़ भी यहाँ पर पड़ता है, तो इस वजह से उनको ये प्लेस बहुत ज़्यादा पसंद आया था। और यहाँ पर उन्होंने अपना पूरी एक तरह से, जैसे कहते हैं कि कैपिटल टाइप उन्होंने बना के रखा हुआ था। और आज भी भले ही आपको सामने से दिखने में ये जो इमारतें हैं वो मॉडर्न से दिख रही हों, लेकिन इनका जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल पुराने जैसा ही है, पुराना ही है। और ये देखिए कितनी खूबसूरत पेंटिंग्स यहाँ पर की हुई है, और ये शिमला शॉल के नाम से शॉप है, यहाँ से कुछ थोड़ी सी ख़रीदारी करनी है और कुछ शॉल वगैरह घर के लिए देख लेते हैं। तो आइए चलते हैं अंदर और दिखाते हैं आपको शॉल किस तरह की यहाँ पर मिलती है। बाकी यहाँ पर घूमने के लिए बहुत कुछ है शिमला में, अगर आप आएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा और काफ़ी एंजॉय आप कर सकेंगे। फैमिली के साथ आइए या अकेले आइए, यहाँ का स्ट्रक्चर आप देख के काफ़ी आनंद आएगा आपको। और ये शॉल यहाँ पर काफ़ी सस्ती भी, मतलब बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है, अगर आप बजट में लेना चाहते हैं 500-700 रुपये की भी मिल जाती है। और बाकी महंगी तो जो आपकी चॉइस है वो आप कैश कितनी भी महंगी ले सकते हैं। और ये इनका ट्रेवल्स का भी एक ऑफिस है, और यहाँ पर जो हिमाचल की कैप होती हैं वो भी मिलते हैं, जो यहाँ की ट्रेडिशनल कैप जिनको बोलते हैं वो भी आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं, और शॉल वगैरह जो भी है। तो अब चलेंगे आगे, और ये देखिए कितनी खूबसूरत इमारत यहाँ पर है, और इसमें एक एग्जीबिशन लगा हुआ है बुक्स वगैरह का। और ये सामने जो देख रहे हैं आप, ये गुप्ता जी भोजनालय, इनका जो खाना है ना, मैंने सुना है कि बहुत ही टेस्टी है, और आज हम यहीं पर ही डिनर भी करने वाले हैं, तो पहले घूम लेते हैं उसके बाद फिर डिनर करेंगे। और ये मैं बात कर रहा था आपसे कि जो बुक फेयर है वो लगा हुआ है यहाँ पर, और पुस्तक मेला काफ़ी दिन से यहाँ पर लगा हुआ है, लोग जो शौकीन हैं पढ़ने के, बुक्स पढ़ने के, वो यहाँ पर आते हैं और ख़रीदारी करते हैं। बाकी अंदर से बहुत अच्छा बना हुआ है ये बिल्डिंग, देखिए शिमला बुक फेयर। और यहाँ पे जितनी भी आपको ये इधर इमारतें दिख रही है, ये सारी जो अंग्रेज़ थे उन्होंने ये पूरी बनाई थी, और एक तरह से उनके यहाँ पे आवास थे। अभी ये उनको दूसरी जो सरकारी जो
इनके सरकारी भवन में इनको तब्दील कर दिया है, कुछ को पुलिस का हेड क्वार्टर बना दिया है, कुछ को ये पुलिस असिस्टेंस रूम है, और यहाँ पे विधानसभा भी है। और ये देखिए खूबसूरत बिल्डिंग, इस चर्च भी है यहाँ पर, काफ़ी सारे चर्च अंग्रेज़ों ने बनाए हुए हैं। और ऐसे ही एक साइड में आपको पूरी मार्केट देखने को मिलेगी और दूसरी साइड में इस तरह की अलग अलग तरह की इमारतें यहाँ पर आपको मिलेगी। ये जो फायर की शायद बिल्डिंग है, ये भी फायर फाइटिंग उनको ये अभी सौंप दी गई है अंग्रेज़ों के जाने के बाद। और ये देखिए फायर की वैन भी यहाँ पर खड़ी हुई है। तो और इधर ये पार्क है, पार्क के ऊपर जो दीवारें आप देख रहे हैं उनकी पेंटिंग्स काफ़ी अच्छी हैं और लोग घूम रहे हैं, कुछ लोग यहाँ से कलेक्ट करके भी ले जाते हैं एंटीक्स, और यादगार बनी रहती है कि हम शिमला घूमने गए थे और यहाँ से कुछ लेकर आए थे। इस तरह की आप बैग्स ले लीजिए, पर्स ले लीजिए, या फिर आप जो सामने पेंटिंग दिख रही थी वो भी ले सकते हैं। हैंडमेड क्राफ्ट काफ़ी है यहाँ पर, रामा एंड कंपनी स्ट्रक्चर से देख रहे होंगे आप ये कितनी पुरानी शॉप है। अब यहाँ पे एक रूल और है कि अगर ये जो शॉप है जितनी भी, इनको आप दोबारा तोड़ नहीं सकते, तोड़ने के बाद बना नहीं सकते हैं, इन्हीं को रीनोवेट कर सकते हैं। और ये लाला लाजपत राय, ये पूरी फौज है हमारी और रुड़की, काफ़ी भीड़ भाड़ बनी हुई है यहाँ पर, सब लोग घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं बच्चों के साथ। ये इधर कैफे वगैरह हैं, और ये सामने आप देख रहे हैं ICICI बैंक, PNB, और ये रेस्टोरेंट है, दो तीन रेस्टोरेंट यहाँ पर अच्छे हैं। और ये इधर पूरी जो बिल्डिंग है वो बैंक्स वगैरह की हैं, LIC को LIC का भी इधर ऑफिस है, बैंक्स है सारा कुछ इधर। और ये हिमाचल, और ये जो पोस्ट ऑफिस है वो है, और जो यहाँ की जो दीवारें हैं इनको जो पेंटिंग्स ये बनी हुई है ना, बहुत ही अच्छी, जब आप यहाँ पर आओगे तो आप महसूस करोगे कि यहाँ पे कितनी खूबसूरती है। और सफाई भी है काफ़ी, काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल है यहाँ पर। और धीरे धीरे ढलान की ओर हम जा रहे हैं, ये पूरा माल रोड इस तरह की पेंटिंग्स यहाँ पर जगह जगह बनी हुई हैं। और अब ये जो शॉप है इंडियन कैफे हाउस, बहुत पुरानी शॉप है ये, लगभग 100 ईयर्स इसको हो गए हैं, उससे भी पुरानी है ये। और यहाँ की जो कॉफ़ी है वो काफ़ी अच्छी है। बाकी ये भी रेस्टोरेंट है एक, यहाँ पे आप खाना खा सकते हैं। और ये देखिए BSNL बिल्डिंग, पूरी BSNL की है, और SBI का ATM। बाकी यहाँ से नीचे उतरते ही सारा भी पूरा जो माल रोड हमने आपको दिखाया है ये यहीं तक ही था। इसमें अगर आप एक दो घंटा आप आराम से यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं, घूम सकते हैं, दो तीन घंटे में आप पूरा घूम लेंगे। और ये क्लॉक टावर पुराने ज़माने का इस तरह से इस बिल्डिंग में लगा हुआ है। वैसे तो आप देखोगे हर शहर में एक क्लॉक टावर होता है, वो टावर के जैसा होता है, लेकिन यहाँ पर टावर जैसा नहीं है, यहाँ पर तो केवल इसी तरह से। और इधर आगे सामने एक आर्मी का पूरा कैंप है बना हुआ, तो यहाँ से ये एंट्री पॉइंट है। और इतना ही था आज की इस वीडियो में, उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा और खूब एंजॉय किया होगा। तो अभी तक धन्यवाद।